अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो स्टोरी हम इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है दिस बॉयज लाइफ विच इज़ रिटन बाय टोबास वुल्फ। ये जो स्टोरी है बेसिकली ये नॉन फिक्शनल स्टोरी है। नॉन फिक्शनल रेफर्स टू दैट काइंड ऑफ स्टोरी इन विच कोई भी सिंगल एनिमेंट जो है इमेजिनेशन का प्रेजेंट ना हो। ठीक है, फिक्शनल होता है जिसके अंदर इमेजिनेशन हो, नॉन फिक्शनल जिसके अंदर इमेजिनेशन ना हो। ये बेसिकली रियलिटी बेस्ड है, ट्रूथ इसमें सारा कुछ बताया गया है। जो भी बताया गया हुआ है इसमें राइटर की अपनी लाइफ का जिक्र है, राइटर ने अपनी ही लाइफ के बारे में लिखा है। उसमें अपने कुछ मेमोरीज थी, कुछ इवेंट्स थे उसकी लाइफ के अंदर जिसके अंदर इसको सर्वाइव करना पड़ा, सफ़र करना पड़ा, हार्डशिप्स देखने पड़े। और वो 1950 से ऑनवर्ड इसके जो एडोलसेंस की एज थी, कौन कौन सी सफरिंग थी, इसने उसको इस वर्क के अंदर डिस्कस किया है। जैसे कि राइटर खुद कहता है, दिस इज़ अ बुक ऑफ मेमोरी एंड मेमोरी हैज़ इट्स ओन स्टोरी टू टेल, बट आई हैव डन माई बेस्ट टू मेक इट टेल अ ट्रूथफुल स्टोरी। माई फर्स्ट स्टेप फादर यूज टू से दैट वॉट आई डिड नॉट नो वुड फिल अ बुक। वेल हेयर इट इज़ टोबास वुल्फ। ये राइटर अपना जब नावल की ओपनिंग होती है उसकी ओपनिंग पे इंट्रोडक्शन में ही ये लाइन राइटर कोट करता है और उसमें वो बताता है कि ये मेमोरी बेस्ड है। और मेमोरी कौन सी हैं, जो कि इसकी अपनी लाइफ से है। तो इसने ही ट्राइड हीज बेस्ट टू मेक इट अ ट्रूथफुल स्टोरी, कि इसमें कोई भी इसने फेक एलिमेंट ऐड नहीं किया हुआ, रियलिस्टिक है, रियलिज्म बेस्ड है, इसकी अपनी लाइफ से रेलेवेंट है। तो इसको हम मेमोर भी कह सकते हैं। मेमोर क्या होता है कि जिसके अंदर राइटर अपनी लाइफ के मेमोरीज को रिकाउंट करता है। तो इस मेमोर को बेसिकली रिया अवार्ड रिया अवार्ड भी मिला हुआ है। उसके बाद ही जो नावल है ये हॉलीवुड फिल्म के अंदर भी कन्वर्ट हुआ हुआ है। इन सिंपलेस्ट वर्ड इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई हुई है सेम नेम से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नावल है राइटर के अपने लाइफ के ऊपर बेस कर रहा है, तो इसीलिए ना हम लोगों को इस नावल को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा राइटर का इंट्रोडक्शन भी पढ़ना होगा। तो इसीलिए हम राइटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं राइटर की कि राइटर है कौन, कहाँ पैदा हुए। ये 19 जून 1945 को US में पैदा हुए। ये अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर, मेमोरिस्ट, नावलिस्ट और टीचर ऑफ क्रिएटिंग राइटिंग भी है। और ये इनके दो यानरास की बेस पर बहुत ज़्यादा फेमस है। एक है मेमोर, जो कि हमने करंट स्टोरी पढ़ने, वो भी एक मेमोर है, और दूसरा शॉर्ट स्टोरीज। इन दो यानरास की बेस पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अब फैमिली की बात की जाए तो अपने सिबलिंग्स में ये सेकंड नंबर पे थे, सेकंड सन ऑफ रोजमेरी, इनकी मदर का नेम है। और हम इस नावल के अंदर भी जो करेक्टर देखेंगे इनकी मदर का, वो रोजमेरी के नेम से ही होंगे। और इनके जो फादर थे उसका नाम था ऑथर सैमुअल वुल्फ्स। ठीक है, ये इनके फादर का नेम है। बेसिकली ये दो भाई थे। एक भाई का नाम जॉफ्री था, एक भाई का नाम जैक, यानी कि पहले टॉबी था, टॉबी से वो अपना नाम चेंज करके जैक रख लेगा। ठीक है, तो एक भाई कौन है, टॉबी, दूसरा कौन है, जॉफ्री। जॉफ्री कौन है, एल्डर ब्रदर। और टॉबी कौन है, टॉबी मीन्स टॉबी जो टोबास वुल्फ, ठीक है, जो राइटर है उनको टॉबी निकनेम है उसका। मदर रोजमेरी, फादर ऑथर सैमुअल वुल्फ। ठीक, ये इनका फैमिली अपने क्लियर रखना माइंड के अंदर, क्योंकि इनको एसेच प्रेजेंट किया जाएगा स्टोरी के अंदर। अब इनके जो पेरेंट्स थे वो सेपरेट हो गए थे आपस में, एंड एट द टाइम ऑफ सेपरेशन जो हमारे राइटर टॉबी थे वो 5 ईयर्स के थे, और इनके जो ब्रदर थे जॉफ्री वो 12 ईयर्स के थे। अब सेपरेशन के बाद जो राइटर थे टॉबी वो अपनी मदर के साथ रहने लग पड़े। अपनी मदर के साथ वैरायटी ऑफ प्लेसेस देखी उन्होंने, जिसके अंदर सिएटल भी था, सिएटल वॉशिंगटन ये भी एक प्लेस थी, और इस प्लेस पर उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। इसके बाद उसकी जो मदर थी उसने दोबारा शादी कर ली। शादी करने के बाद कैस्केड माउंटेन्स में रहने लग पड़े। वहाँ पे इसके जो फादर थे, स्टेप फादर रॉबर्ट थॉम्सन, वो सिएटल सिटी लाइट में काम करता था, और वो बहुत ही क्रूड किस्म का पर्सन था, जिसने अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा ना जुल्म किया। वो टॉबी को मारता था, उससे बड़ा ब्रूटल किस्म का ट्रीटमेंट था उसके साथ उसका। एनी हाउ, इसी दौरान जो हमारे राइटर टॉबी है, उनके जो फादर थे और जो ब्रदर थे वो ईस्ट कोस्ट पे रह रहे थे। इसी पीरियड में जॉफ्री को अपने ब्रदर के बारे में ज़रा भी नहीं पता था कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। बट उसके बाद जॉफ्री ने एडमिशन लिया प्रिंसटन में,
जब वो एडमिशन इसने प्रिंसटन में लिया, वहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिली इसके ब्रदर के बारे में, क्योंकि इसके ब्रदर ने अपने ब्रदर को, यानी कि टॉबी ने अपने ब्रदर को लेटर्स लिख के इन्फॉर्म किया था अपनी कंडीशन से, और वहाँ से इन दोनों भाइयों को एक दूसरे का पता लगा था। एनी हाउ, एज अ किड बात की जाए, लोकल न्यूज़पेपर की डिलीवरी का भी इसने काम किया। फिर इसके बाद इसने मल्टीपल जो स्कूल्स थे वहाँ पे अप्लाई किया था एडमिशन के लिए, किसी भी स्कूल ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन फाइनली द हिल स्कूल था, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। और इसने अप्लाई करने के लिए जो ट्रांसक्रिप्ट्स भेजी थी, जो रिजल्ट्स भेजे थे अपने, वो बेसिकली फेक थे, एडिटेड थे। और व्हेन ही वाज इन हिज सीनियर ईयर्स, जब अपने सीनियर ईयर्स में था, तब ये स्कूल में रिवील हो चुका था कि वो पेपर थे, वो फोर्स थे, मींस फेक थे, और इसी बेस पे इसको एक्सपेल कर दिया गया था। और एक्सपेल करने के बाद इसने जो वियतनाम वॉर थी उसके अंदर पार्टिसिपेशन की थी। और इतनी ही लाइफ को हम लोग रिस्पेक्टिव वर्क के अंदर भी देखने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया राइटर का इंट्रोडक्शन। इसके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनका मैं बता दूँ आपको। एक है अगली रूमर्स जो कि 1975 में पब्लिश हुआ, देन है द ब्रैक्स थिफ जो कि 1984 में पब्लिश हुआ, ये एक नोवेला है। नोवेला कहते हैं जो नोवेल से छोटा होता है, शॉर्ट स्टोरी से बड़ा हो। ओल्ड स्कूल 2003 में पब्लिश हुआ, दिस बॉयज लाइफ 1989 में पब्लिश हुआ, ये मेमोर है अपने बॉयहुड जो कि 1950 से शुरू होता है। राइटर की बर्थ हुई 1945 में, तो 1950 में राइटर 5 साल के थे, और ये 5 साल के थे जब इसकी मदर का और उसके फादर का आपस में डिवोर्स हुआ था, सेपरेट हो गए थे। और 5 साल के बाद से जो राइटर की लाइफ थी एडोलसेंस के एज के अंदर, उसने राइटर ने इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। और उसके बाद राइटर ने जब वियतनाम वॉर को ज्वाइन कर लिया था, वियतनाम वॉर, तब क्या हुआ, तब नेक्स्ट वर्क है इन पहोरा आर्मी, ठीक है, ये 1994 में आया। अगेन ये भी मेमोर है जिसके अंदर जहाँ पे दिस बॉयज लाइफ एंड हो रही है ना, वहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है। इसने अपना एक्सपीरियंस एज अ सोल्जर वियतनाम वॉर उसको डिस्कस किया है। फिर इन द गार्डन ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन मर्डर्स 1981 में, हंटर्स इन द स्नो 1981 में, बैक इन द वर्ल्ड 1985 में, द नाइट इन क्वेश्चन 1997 में, आवर स्टोरी बिगिंस न्यू एंड सेलेक्टेड स्टोरीज 2008 में। इन द गार्डन ऑफ नॉर्थ अमेरिकन से लेकर ये लास्ट तक ये सब के सब शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शंस हैं राइटर के। और इन सब वर्क्स के अंदर दिस बॉयज लाइफ और इन फोरास आर्मी, ये जो दो वर्क है ये नॉन फिक्शनल वर्क है। नॉन फिक्शनल क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसके अंदर इमेजिनेशन ना हो, रियलिटी बेस्ड हो। ठीक हो गया, अब हम टाइटल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। दिस बॉयज लाइफ टाइटल जो है वो सिम्बलाइज कर रहा है, बेसिकली ये एक बॉय की लाइफ है, और वो बॉय कौन सा है, टोबायस खुद है। और उसकी लाइफ के अंदर जो अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, जो सफरिंग हुई है, जो हार्डशिप हुई है, उस सबको मीन्स ओवरऑल 1950 से जो उसकी एडोलसेंस की एज थी, उन सबको इसके अंदर डिपिक्ट किया गया। टाइटल ये सिग्निफाई कर रहा है, यही सिंबलाइज कर रहा है। की फैक्ट्स मैं बता दूं, फुल टाइटल जो है वो दिस बॉयज लाइफ है, ऑथर जो है टोबायस वुल्फ है, यानरा इसका मेमोर है, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया, ये 1989 में पब्लिश हुआ, नरेटर इसका टॉबी है, टॉबी बेसिकली जैक, ठीक है, जो अपना नाम चेंज कर लेगा, जैक रख लेगा। पॉइंट ऑफ व्यू जो इसका है वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके अंदर हम देखेंगे जो टोन है जैक की, सब्जेक्टिव दिखाई गई हुई है और इनफॉर्मल दिखाई गई हुई है। टेंस इसमें पास्ट यूज़ किया है, जैक जो अपना चाइल्डहुड को और अपने एडोलसेंस के एक्सपीरियंस को डिफाइन कर रहा है इसके अंदर। टाइम के लिहाज से जो सेटिंग दिखाई गई है इसके अंदर, अ पीरियड ऑफ अबाउट 10 ईयर्स फ्रॉम 1955 टू 1965 इसमें नज़र आता है हमारे पास। स्टोरी जो शुरू होती है, यानी जो प्लेस है इसमें दिखाई गई सेटिंग के लिहाज से, वो देखते कि फ्लोरिडा से ऊटा की तरफ जाया जा रहा है स्टार्टिंग पे, फिर उसके बाद वॉशिंगटन स्टेट, सिएटल, फिर उसके बाद चिनूक, ये प्लेसेस दिखाई जाएंगी इसके अंदर। प्रोटैगोनिस्ट जो है वो राइटर खुद टोबी जैक वुल्फ, राइटर खुद है। इम्पॉर्टेंट थीम जो देखेंगे हम इसके अंदर वो एस्केपिज्म का होगा, एस्केपिज्म विया इमेजिनेशन, डिज़ायर एंड डेस्पिरेशन फॉर सेल्फ रिक्रिएशन, के आइडेंटिटी के लिए, सेल्फ रिक्रिएशन के लिए एक डिज़ायर दिखाई जाएगी, डेस्पिरेशन दिखाई जाएगी। अब्यूज़ का थीम देखेंगे इसके अंदर हम लोग, एजुकेशन का थीम देखेंगे हम लोग। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं। अब हम बात करते हैं करेक्टर्स की। जो पहला करेक्टर है हमारे पास स्टोरी के अंदर वो है जैक वुल्फ, जिसका नाम है टोबी,
यही इस स्टोरी का ऑथर भी है और यही प्रोटैगोनिस्ट भी है जो ऑटोबायोग्राफी है उसका। राइटर जो है इसके अंदर यानी कि जो जैक है वो अपना ट्रबल्ड बॉयहुड उसको डिस्कस करेगा इसके अंदर, जिस बॉयहुड के अंदर डोमेस्टिक अब्यूज़ भी था, मिसबिहेवियर भी था और यहाँ तक कि इसकी लाइफ के अंदर इतनी सफरिंग थी, स्टिल ये होपफुल दिखाया गया थ्रू आउट द स्टोरी और ये कन्विंस था इस बात पे कि इसकी लाइफ के अंदर एक बेटरमेंट आएगी, इसकी लाइफ के अंदर एक चेंज आएगा। जब स्टोरी शुरू होती है तब हम जैक का करेक्टर देखते हैं तो जैक के साथ दिखाया जाता है कि जैक की मदर जो है रोजमैरी वो अब्यूजिव रिलेशनशिप से बचाने के लिए जैक को अपने साथ ऊटा से दूसरी कंट्री में लेके जाती हैं, जहाँ पे इसकी मुलाकात जैक की डिवाइड नाम के पर्सन से होती है। डिवाइड जो है वो जैक का स्टेप फादर बन जाता है और डिवाइड क्रूएल बिहेव रखता है, मैन्युपुलेट करता है और थ्रू आउट जैक जो है ये सारी जो ब्रूटलिटी उसके साथ हो रही है उससे एस्केप की एक होप रखता है। ऑप्टिमिस्टिक करेक्टर दिखाया गया हुआ है जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग है। रोजमेरी वुल्फ जैक की मदर है जो फ्लोरिडा से ऊटा जैक के साथ आ रही थी और आने का पर्पस क्या था, यूरेनियम गैदर करके एक अच्छी कमाई करना और फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी अपने आप को और अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए। ये काइंड वुमेन दिखाई गई हुई है लेकिन इसका पास्ट भी जैक की तरह बहुत ज़्यादा पेनफुल था और इसके बाद जब ये जैक के साथ ऊटा में आई उसके बाद फिर इसको ऊटा से सिएटल जाना पड़ा वॉशिंगटन, तो इसने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अपने लाइफ के अंदर अब्यूजिव रिलेशनशिप देखा। पहले रॉय था, फिर डिवाइड था और उससे पहले इसका अपना हस्बैंड था ऑर्थर। तो ये जो मदर का ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस था ना, इस ट्रोमा का जो इफेक्ट था, असर था ना, वो इसके बेटे के ऊपर भी हुआ। उसके बेटे को बड़ा हार्मफुल वे में अपनी लाइफ स्पेंड करना पड़ी। रोजमेरी कभी भी अपने जो उसके पास के ट्रोमा थे उनसे कभी भी निकल नहीं पाई और उसके बाद एक के बाद दूसरी दफ़ा क्या कर रही थी, अपने आप को एक कंट्रोलिंग मैन की पावर में दे रही थी जो उसको फर्दर एक्सप्लॉइट कर रहे थे। फिर आते डिवाइड की बारी। डिवाइड जो है एक क्रूएल और वॉयलेंट मैन दिखाया गया हुआ, इतना वॉयलेंट था और इसने किया रोजमेरी को कन्विंस कर लिया अपने शादी करने के लिए। रोजमेरी ने अपने बेटे को इसके पास भेजा था इसकी रियलिटी जानने के लिए लेकिन इसने इसको इतना थ्रेट किया हुआ था इसके बेटे को कि वो रोजमेरी को रियलिटी नहीं बताया पाया डिवाइड की। एनी हाउ जो डिवाइड है वो बड़ा क्रूएल किस्म का पर्सन था। शादी के पास यानी कि जब रोजमेरी से शादी हो गई उसके बाद ये चिनोक नाम का एक प्लेस थी, उस प्लेस पे आकर रहने लग पड़े और इसने बहुत ज़्यादा जुल्म किया जैक के ऊपर, उसको मारा, ब्रूटली ट्रीट किया, ज़्यादा ड्रिंकिंग करता था, इवन किसने जैक को रोजमेरी के पैसे भी चुरा लिए थे। ना सिर्फ जैक को अब्यूज़ करता था बल्कि फिज़िकली भी अब्यूज़ करता था, उसको मारता था, ठीक है। फिर जोफ्री वुल्फ जो कि जैक का ब्रदर है, बहुत ही काइंड पर्सन दिखाया गया। ये प्रिंसटन में स्टूडेंट था जबकि जैक स्टिल अपने हाई स्कूल में था। जोफ्री अपने फादर की कस्टडी में बड़ा हुआ और काफ़ी साल तक इसने जैक को नहीं देखा था। जब जैक को जोफ्री के बारे में पता लगा कि वो प्रिंसटन में है, इसने उसको लेटर लिखा, उसको मेल के थ्रू बताया कि किस तरह से जो उसका स्टेप फादर है इसको अब्यूज़ करता है, इसको मारता है, तब जैक को जोफ्री ने इनक्रेज किया कि वो एक प्राइवेट स्कूल में अप्लाई करे ईस्ट कोर्स में और उनके दोनों के लिए समर के अंदर एक मीटिंग अरेंज करे। फिर जब ये मिले तो जोफ्री ने बिल्कुल फादर की तरह जैक की केयर की। नेक्स्ट है ऑर्थर वुल्फ का करेक्टर जो जैक का बायोलॉजिकल फादर है यानी कि रियल फादर है। एक झूठा किस्म का आदमी दिखाया गया है जिसने जैक से काफ़ी प्रोमिसज़ किए, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया था। जब जैक समर के सीज़न के अंदर अपने फादर के साथ ऑथर के साथ रहने के लिए गया था तब ऑथर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समर वेकेशन के लिए छोड़कर चला गया था जैक को, वहाँ पे जहाँ पे जैक उसे मिलने के लिए आया था। मींस जैक ऑथर के घर गया उस अपने फादर से मिलने के लिए और उसका फादर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला गया वेकेशन के लिए। और जब जैक का फादर वापस आया था तो उसके बाद इसके फादर को अरेस्ट कर लिया गया और एक सैनिटेरियम में एक पागल खाने में डाल दिया गया था जहाँ पे वो जब तक जैक यहाँ पे रहा था तब तक वो वहाँ पे ही रहा था इसका फादर। फिर ऑथर गायल का करेक्टर है जो कि एक ओवरवेट आउटकास्ट बॉय था जो ज़्यादातर टाइम अपना डॉग के साथ स्पेंड करता था, डॉग का नाम था पेपर, और बाद में वो जैक का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। जैक ऑर्थर को सिसी कह के बुलाता था। इनकी एक दिन फाइट हो गई, फाइट होने के बाद ये दोबारा दोस्त बन गए लेकिन जैक जो है वो इनसेंसिटिविटी
में और इनसिक्योर एक्टिविटी में इंडल्ज हो चुका था। इस पेस पे जो इनकी फ्रेंडशिप थी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाई थी। फिर है चेक बॉल्गर, ये जो है एक मिनिस्टर का बेटा था, एक अल्कोहलिक फ्रेंड था इस जैक का, एक लड़की के साथ इसने टाइम स्पेंड किया, उसका नाम टीना था, और बाद में वो लड़की 15 साल की थी। टाइम स्पेंड करने के बाद उसने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया। एनी हाउ फिर इस चक का ही दोस्त था हफ, हफ जो है उसने टीना से शादी की थी, और जैक की चक के साथ बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए फ्रेंडशिप रही थी। जेरी हफ अगेन चक की तरह एक बुरा लड़का था, शॉर्ट था, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग था, लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा मशहूर था स्कूल के अंदर, और इसने जो टीना थी उससे शादी करने के लिए इसलिए एग्री किया ताकि ये खुद जेल जाने से बच जाए, क्योंकि इन दोनों ने इलीगल एक्टिविटी की थी गर्ल्स के साथ जिस बेस पे इनको जेल हो सकती थी। एनी हाउ नेक्स्ट है रॉय का करेक्टर। रॉय जो है रोजमेरी का अल्कोहलिक और अब्यूजिव एक्स हस्बैंड और एक्स बॉयफ्रेंड है। जब रोजमेरी अपने बेटे के साथ ऊटा में आ रही थी तो रास्ते में सारसोटा, ये प्लेस का नाम लिख दिया, सारसोटा से सॉल्ट लेक सिटी तक उसने उसका पीछा किया और फाइनली ये रोजमेरी के पास पहुँच गया। इसके बाद रोजमेरी जो थी इससे भाग गई दूर अपने बेटे को लेकर। रॉय बहुत ज़्यादा पोसेसिव था रोजमेरी को लेकर, और रॉय के पास जो एक अट्रैक्शन थी वो किसकी थी, गन्स की अट्रैक्शन थी। इसने अपनी एक गन 22 विंचेस्टर 22 जो है ये जैक को गिफ्ट भी दी थी, और ये जो गन है ये राइफल है, ये राइफल बेसिकली सिंबलाइज कर रही है पावर एंड कंट्रोल, क्योंकि जैक सिर्फ एक बॉय था जब उस, और वो पावरलेस था, अपनी मदर को अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था वॉयलेंस से, पॉवर्टी से, अनहैप्पीनेस से, और जब इसके हाथ में इसको राइफल पकड़ा दी गई तो ये फील करता है जिस तरह से ये एक मैन है, जस्ट अ बॉय नहीं है, मोर देन ऑफ अ मैन है। तो बेसिकली ये जो राइफल है ये जैक के लिए पावर एंड कंट्रोल का सिंबल है। एनी हाउ नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास नॉर्मा का। नॉर्मा जो है ये डिवाइड की बेटी है और बहुत ही स्वीट किस्म की दिखाई गई हुई है, और अपनी यूथ में अपने स्कूल के अंदर इसको एक लड़का पसंद था, इसका नाम था बॉबी क्रो, एक गुड हार्टेड बॉय था। लेकिन बाद में नॉर्मा जो डिसाइड करती है कि जो बॉबी है वो इससे शादी करने के लिए इतना एम्बिशियस नहीं है, फिर इसीलिए नॉर्मा की शादी हो जाती है एक केंथ नेम के पर्सन के साथ जो एक मिजरेबल मैन था, और वो नॉर्मा को अच्छे से नहीं रख पाया था। केंथ जो है ये एक आर्ग्यूमेंटेटिव मैन था, ये एक स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन था और हर एक के ऊपर अपनी वैल्यू इम्पोज करने की कोशिश करता था। फिर मिस्टर हॉवर्ड का करैक्टर, ये बेसिकली जो हिल स्कूल था उस स्कूल के एक फॉरवर्ड पर्सन थे, और इनको जैक के इंटरव्यू के लिए भेजा गया था क्योंकि जिस स्कूल में जो हिल स्कूल है वहाँ पे एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट थी कि पहले इंटरव्यू किया जाए, तो उस इंटरव्यू से पहले, एक्सेप्टेंस से पहले इनको जैक के पास भेजा गया। इन्होंने आके जैक का इंटरव्यू किया और जैक के एडमिशन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। इन्होंने जैक को अपने साथ अपने टेलर के पास लेके गए सिएटल में, और वहाँ पे इसके लिए जो न्यू स्कूल वार्डरोब थी वो प्रिपेयर करवाई, स्कूल के क्लोथ्स प्रिपेयर करवाए। तो ये ओवरऑल करेक्टर्स थे जो हमने कवर कर लिए। ये वीडियो मैं यहाँ एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो समरी है उसको कम्प्लीट एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दुआ में मुझे खास याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।